पहेली रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मेथी के बाद सब्जी आपने कई तरीके की खाई होगी, आज हम कुछ नए तरीके से और अलग तरीके से मेथी की सब्जी बनाएंगे जिसका नाम है शाही मेथी। ये सब्जी जो है बहुत स्वादिष्ट है, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं। आप इसी तरीके की नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मेथी, जिसमें हमें सामान चाहिए। मेथी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, काजू और 1 टमाटर। इसी में हमें 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लेंगे हम गरम मसाला और 2 टेबल स्पून लेंगे हम तेल इसे तैयार करने के लिए। देखो, हम इस तरीके से कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेस में, क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। हम एक फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें हमें इस मेथी को कुछ देर तक के कुक करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसे हम 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए, जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती है तब तक हम इसे पका लेंगे। सिर्फ 2 मिनट में ही अच्छी तरीके से पक जाएगी। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है और अभी हमें इसे 1 मिनट और कुक करना है, और इसी तरीके से चलाते रहेंगे वरना ये चिपक सकती है। और इसे अच्छी तरीके से, जब तक इसका पानी ना सूख जाए, 2 से 3 मिनट के अंदर इसका पूरा पानी सूख जाता है और अच्छी तरीके से पक जाती है। फ्रेंड्स, देखो 2 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से हमें इसे कुक करना है, बस इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम एक दूसरी प्लेट में निकाल कर इसी फ्राई पैन में सब्जी की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब हम फ्राई पैन को क्लीन कर लेते हैं। हमने इस तरीके से एक प्लेट में निकाल ली है, और जो हमारा पेस्ट था उसे भी हमने ग्राइंडर में पीस कर फाइन पेस्ट तैयार किया है, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं है। और ये हमारा तेल और सभी सामग्री अब हमें इस गर्म करने रख देते हैं। हमने वही पैन यूज़ किया है। अब पैन में हम डालेंगे सबसे पहले तेल। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, इसे हल्का सा चटकने देंगे। अभी हमारा जीरा है जो अच्छी तरीके से लाल हो चुका है, अब इसमें हम ये पेस्ट को डाल देंगे। से हिलाते हुए 5 से 5 मिनट तक के अच्छे से इसे फ्राई करना है। कम से कम 5 मिनट तो लगते हैं, वरना प्याज हमें जो है कच्ची लगती है। ठीक है, प्याज को पकने में कम से कम इतना समय, यही सबसे इसमें हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं, पर यही एक जो है पूरी सब्जी में सबसे मोस्ट टाइम लगने वाला समय यही होता है, प्याज को पकाना। ये प्याज को हमें तेज आंच पर ही पकाना है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए, कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। इसका कुक होने का एक सबसे अच्छा रीज़न ये है कि इसमें पूरी तरीके से जो तेल है वो छोड़ दिया है ना। अब इसमें हम सामग्री ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच हमने ये हल्दी डाली है, 1 चम्मच हमने ये जो धनिया पाउडर है वो ऐड कर दिया है, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऐड किया है। इस मसाले को हम पहले 2 मिनट तक इसी में, बस आज को हम धीमा रखेंगे, मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे, और इसे हम बिना पानी डाले 2 मिनट तक इसी तरीके से कुक कर लेंगे। अब इसमें 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें इतना ही पानी ऐड करना है कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, इसका ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए मेरे पास एक सीक्रेट रेसिपी है। आपकी दूध की मलाई, जो रोज़ आपकी फ्रेश दूध की मलाई निकलती है, वो हमें इसमें 1 चम्मच ऐड करनी है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो ना करें, लेकिन इससे स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स होने के बाद अब हम इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे अब हम ढक देते हैं, ढककर पकने देंगे। इसे मीडियम टू लो के बीच में कुक होने के लिए रख देंगे। इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक धुलाते हुए पका लेंगे। इसे ढककर अब हम इसे पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला जो है तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये 2 मिनट में पूरी अच्छी तरीके से कुक नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसे 2 मिनट और कुक किया है ताकि हमारा जो मसाला है वो और अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अब इसमें जो है हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद में हम इसमें जो हमने मेथी को जो कुक करके रखा था इसे अब हम इसमें डाल देंगे। डालकर अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अभी इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो सूखी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस इतना ही पानी हम इसमें डालेंगे और फिर से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट। अभी देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। इसने पूरी तरीके से तेल को भी छोड़ दिया है। अब हमारी सब्जी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं।